सिजोफ्रेनिया दिवस पर आईएमए अध्यक्ष सह मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को निरंतर अंतराल पर दौरे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को लोग जानकारी के अभाव में भूत प्रेत का साया समझ झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि मरीज की स्थिति और खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 20 लाख लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं और रोगों से तुलना की जाए तो भले ही इसके मामले कम हो, लेकिन सिजोफ्रेनिका की व्यापकता अधिक है। ये मनाया जाता है और ये वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसका वजह है कि पिनेल एक साइकियाट्रिस्ट थे बहुत पहले, जिन्होंने इस रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी दी, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये पूरे वर्ल्ड में WPA वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन हम लोगों का होता है, उसने ये वर्ल्ड स्किजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे डिक्लेयर किया है। तो इसमें क्या है, स्किजोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक रोग होता है जिसके बारे में मैंने अभी सबको आप लोगों को भेजा है इस डिटेल से। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि रोगी की पूरी सभी मानसिक क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं, उनके थिंकिंग प्रभावित हो जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस प्रभावित हो जाते हैं, उनके इमोशंस जो नॉर्मल ढंग से जो इमोशंस जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, खुशी का या गम का या किसी भी चीज़ का, वो प्रभावित हो जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो मतलब काम करने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन जो है सो वो प्रभावित हो जाता है, और इस तरह से उनको सामाजिक और व्यवसायिक या फिर एकेडमिक जो भी कार्य होता है वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह, जैसे जैसे आपका एक उदाहरण मैं देता हूँ, वशिष्ठ नारायण सिंह का, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और शुरू के जीवन में वो काफ़ी कुछ अचीवमेंट है जो तो मुझे बतलाने की बात नहीं है, सब लोग आप लोग उसको जानते होंगे। तो वो फिर वो इस रोग से ग्रसित हो गए, उसके बाद जो है इसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, और फिर उनका जीवन फिर शुरू के जो समय में जितना ही सफलता प्राप्त किया, फिर बाद में उन्होंने उतना सफलता प्राप्त नहीं किया। इसका जस्ट अपोजिट एक जॉन नैश एक वेस्टर्न ये थे, मैथमेटिशियन थे, और बहुत सारे वो भी इस रोग से ग्रसित हुए। तो उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, तो जो है उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट से उनको बीच बीच में इस रोग के लक्षण आते थे, लेकिन फिर जो इलाज चलता था फिर वो वापस वो सही ढंग से उनका कार्य करना होता है। तो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होने के बाद वो नोबेल प्राइज उन्होंने अर्जित किया, और अंत में उनकी डेथ जो हुई आज से 2-3 वर्ष पहले एक रोड एक्सीडेंट में, वो उनकी और उनकी पत्नी दोनों की एक साथ मौत हुई एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। ये एक एग्जाम्पल है। इसलिए स्किजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी लोगों में प्राप्त करना देना बहुत ही आवश्यक है, और हमारे देश में चूंकि मनोविज्ञान या मनोरोग का इधर से डेवलपमेंट हुआ है, पहले नहीं हुआ, वेस्टर्न कंट्री जो पहले है अमेरिका में, जॉन नैश जो कि अमेरिका में थे, इस चीज़ का इलाज उपलब्ध था, उन्होंने करवाया और इस तरह से उनका सफलता प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे यहाँ उतना ये नहीं। अब धीरे धीरे इधर हाल के वर्षों में विकास हो रहा है, अब साइकियाट्रिस्ट भी बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट बन रहे हैं, हर छोटे छोटे जगह में साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध हो रहे हैं, उसको पहचान किया जाता है, उसका पहचान किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या था, जरूरी चीज है कि जन साधारण में इस चीज की जागरूकता उत्पन्न की जाए, नहीं तो लोग क्या होता है भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं कि झाड़ फूंक जो भी कुछ असामान्य व्यवहार करने लगता है, पागलों के जैसा व्यवहार करने लगता है, तो चले गए ओझा के पास, गुनी के पास, कोई ये कोई दरगाह पर जाकर के उसका हाजिरी दिलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है सो उचित इलाज नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर शुरुआत के समय में इसकी पहचान कर ली जाए
और उसका इलाज अगर सही ढंग से दिया जाए तो वो व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में समर्थ होगा, हर तरह का काम वो कर सकता है अपने जीवन में, अपना सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज में वो अपना उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। और स्किजोफ्रेनिया ये भी है कि स्किजोफ्रेनिया जितने भी स्किजोफ्रेनिया के रोग हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, कुछ 10-20% रोगी ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा संतोषजनक सुधार नहीं होता, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, ज़्यादा परसेंटेज है कि लोगों में सुधार होता है। तो इसलिए हम आप लोग मैं हम लोग यहाँ प्रेस सम्मेलन कर रहे हैं और हम लोगों की यही अपेक्षा है आप लोगों से कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी फैलाएं अपने न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे। आज का दिन ही इस पर्पस से है, इसकी जो फ्रेनिया अवेयरनेस डे, हम लोगों का काम है कि जनसाधारण में अवेयरनेस पैदा करना और इस नेक कार्य में, इस सामाजिक कार्य में आप लोगों का ही योगदान जो है इसमें अपेक्षित है।